2:33 कराची शहर में कहीं पर भी बारिश हो तो मुझे इन्फॉर्म किया जाए कमेंट सेक्शन पर। मैं देखना चाहता हूँ कि आज होता क्या। मैंने दावा किया है, मैंने सीरीज़ बनाई है, शुरू कर चुका हूँ कि लो चखो गर्मी का अज़ाब अल्लाह के हुक्म से। तो अब कराची शहर वाले गर्मी का अज़ाब चखेंगे या सर्दी का मज़ा लेंगे, ये तो वक्त बताएगा। रात 12 बजे तक का टाइम है, मोहलत दी हुई है मैंने दुनिया के अंदर सारे गैर मुस्लिमों को, कराची शहर वालों को स्पेशली तौर पे, जितने भी बैठे हुए जो दुआएं करते हैं, जो मुझे गलत समझते हैं और दुआएं करते हैं, वो भी आ जाएं और मेरे ख़िलाफ़ बद्दुआ करें, दुआ करें, जो करना है करें, और कराची शहर पर आज के दिन बारिश करवा के दिखाएं अल्लाह से, ठीक है। और मेरा यह दावा है कि आज बारिश नहीं होगी, इसलिए कि मैंने आज गर्मी के अज़ाब का मज़ा चखाने का फ़ैसला किया। मेरी ये चाहत है, अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा, पता लग जाएगा, शाम तक तो सूरज होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कराची शहर में कहीं भी बारिश हो जाए आज के दिन तो मुझे इन्फॉर्म किया जाए, मैं अपनी पूरी सीरीज़ डिलीट कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, ये समझ के कि अल्लाह का फ़ैसला नहीं है, अल्लाह को मंजूर ही नहीं है। लेकिन अगर आज बारिश नहीं हुई और कराची शहर वाले गर्मी चखते रहे तो बेटा कराची शहर के तो सारे गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाना, ये तुम्हारे लिए। और वो सारे जो ख़ुद को बहुत पक्का सच्चा मुसलमान समझते हैं मेरे ख़िलाफ़ और मुझे गलत समझते हैं, मुझे पागल नफसियाती समझते हैं, जादूगर समझते हैं, दज्जाल समझते हैं और कहते हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ दीन इस्लाम का प्रचार करके मौजज़ात के ज़रिए, तो बेटा तुम लोग तौबा करना अल्लाह से और माफ़ी मांग लेना, वरना क़यामत के दिन तुम सबका गिरेबान पकड़ लेना है मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। जो तुम कर रहे हो ना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। ज़रा आओ तो सही क़यामत के दिन, फिर मैं तुम्हें वहाँ बताऊँगा। दुनिया में तो सबको आज़ादी दी अल्लाह ने एक हद तक, तुम्हें जो करना करो, लेकिन आज नज़ारा देखो, तमाशा देखो, या तो आज गर्मी का मज़ा चखोगे या फिर आज बारिश देख लोगे अगर तुमने कोई दुआ की और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो। वैसे तो काबे में जाके बड़े अरसे से दुआएं कर रहे हो ना सारे, फ़लस्तीन को तबाह करने की, बचाने की, इसराइल को तबाह करने की, तो तुम्हारी दुआओं से क्या हुआ था? वो तो लेजेंड को मैदान में आना पड़ा, तो इसराइल पर जलजला भी आ गया, आंधी तूफान भी आ गए, बारिशों ने भी हमला किया, थंडर स्टॉर्म भी गिरे, लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी गिरी, सब कुछ हुआ, लेजेंड ने काम किया तो हुआ। तुम्हारे कहने से अगर होना था तो पहले हो जाता। बहरहाल एनी वे लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह, द किंग ऑफ हीट वेव, द किंग ऑफ फायर, द किंग ऑफ पनिशमेंट, द किंग ऑफ सिवियर पनिशमेंट, द माइटी होली किंग ऑफ यूनिवर्स, ही इज विद मी। इफ यू ऑल वॉन्ट टू कम अगेंस्ट मी देन ट्राई ऑल योर एफर्ट्स एंड प्रेयर्स, लेट्स सी हू विंस द विक्ट्री। अल्लाह अकबर।